नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। ये वीडियो हमारा पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में हम वन से फिफ्टी नाइन तक आरबी हिंदी, किसका आरबी हिंदी जो 100 नंबर का होता है, पार्ट वन वालों का आरबी हिंदी 100 नंबर का, पार्ट वन वालों का साइंस एंड कॉमर्स, जो भी साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम से हैं उनके लिए ये वीडियो है। ओके दोस्तों, तो सीधे शुरू करते हैं हम, क्योंकि अगर पिछला वीडियो आप 1 से 59 तक नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक, शुरू करते हैं सीधे। देखिए दोस्तों, 60 से अनुवाद का महत्व है। अनुवाद का महत्व क्या है, तो ज्ञान के प्रसार से है, राष्ट्रीय एकता के विषय में है, विश्व साहित्य के अध्ययन में है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी सही है। थोड़ा स्पीड में करेंगे दोस्तों, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन सब है, कोई भारी है नहीं, एक दो बार आप आराम से इसको सुन लीजिएगा तो इजीली आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छे अनुवादक के लिए होना चाहिए। अच्छे अनुवादक के लिए क्या क्या होना चाहिए, दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, अभिव्यक्ति कौशल होना चाहिए, व्यापक अध्ययन होना चाहिए, तो डी उपयुक्त सभी। अच्छे अनुवादक के लिए जो ट्रांसलेटर होगा उसके लिए ये सभी उसके स्किल होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट है, अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार किसकी पुस्तक है, तो जैन साहब की पुस्तक है दोस्तों। जैन साहब इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी ऑप्शन सही है। यहाँ ऑप्शन जीरो दिया मतलब इनको पता ही नहीं है, तो लेकिन इसका आंसर डी है दोस्तों। हम आपको इसका रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डॉक्टर संजीव कुमार जैन, जैन साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो डॉक्टर संजीव कुमार जैन की पुस्तक है। ये ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था इसलिए हमको ये ध्यान था कि जैन साहब की पुस्तक है, तो सोचा आपको रेफरेंस भी दिखा दूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्सटी थ्री देखिए, आंसू अनुवादक का कार्य होता है। आंसू अनुवादक का कार्य वक्ता के भाषण का तुरंत अनुवाद करना और लिखित अनुवाद करना, उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम काम करेगा दोस्तों। अगर आप कभी भी हिंदी से आगे पढ़ना चाहेंगे तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, बार बार आते रहता है, रिपीटिटिव है, इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से एक बार सुन लीजिए, ध्यान रखिए और समझ भी लीजिए। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का अर्थ है, तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्य क्या है, तो हिंदी के तकनीकी शब्दों का विकास और भारतीय भाषाओं के तकनीकी शब्दों का विकास, उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 65, पारिभाषिक कोश में शब्दों का अर्थ रहता है, क्या रहता है, तो अर्थ रहता है। 66, पारिभाषिक शब्दों की सीमाएँ रहती है बंधी हुई, जो पारिभाषिक शब्द होता है उसकी सीमाएँ बंधी हुई रहती है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक हैं, तो डॉक्टर रघुवीर। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर रघुवीर, ऑप्शन ए सही है। 68 देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कभी, तो 1960। ये थोड़ा जीएसए क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा शब्द सब है, सब अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। 69 है, पारिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी है, पारिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी क्या है, तो अनुच्छेद। ऑब्वियसली बात है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो संविधान है उसमें अनुच्छेद है, पहले कितना था, अभी लगभग 448 के आसपास आर्टिकल है, तो वही आर्टिकल का हिंदी क्या होता है, अनुच्छेद। नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्द ग्रांट की हिंदी है, ग्रांट की हिंदी क्या है, तो अनुदान। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पढ़ते होंगे, विश्वविद्यालय आयोग कुछ होता है, तो अनुदान आयोग होता है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ग्रांट का अर्थ क्या होता है, तो अनुदान। नेक्स्ट है 71, पारिभाषिक शब्द मेमोरेंडम की हिंदी है, मेमोरेंडम का हिंदी क्या है, तो ज्ञापन, ज्ञापन सौंपना। कोई भी चीज़ अगर हम किसी ऑफिस में देते हैं तो उसको एक मेमोरेंडम कहते हैं, ज्ञापन की हमने फलना चीज़ यूनिवर्सिटी में, जैसे आप कुछ लेटर दीजिएगा तो उसको ज्ञापन कहा जाता है, एक प्रकार से ज्ञापन सौंपा है वीसी के पास, तो मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है, ज्ञापन। इस सब का ध्यान हिंदी हमको आना ही चाहिए दोस्तों, अच्छा चीज़ है ये सब। पारिभाषिक शब्द गवर्नर का हिंदी है, गवर्नर का क्या होता था, राज्यपाल होता है, बहुत आसान है, तो गवर्नर का हिंदी क्या है, तो राज्यपाल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिभाषिक शब्द ऑटोनॉमस की हिंदी है, ऑटोनॉमस का हिंदी होता है स्वायत्तशासी, स्वायत्तशासी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, एयरफोर्स की पारिभाषिक हिंदी है, तो एयरफोर्स मतलब वायुसेना, मतलब उसका सीधे आपको हिंदी पूछ रहा है उसका मतलब। अप्रूवल की पारिभाषिक हिंदी क्या है, तो अप्रूवल मतलब अनुमोदन, क्या, अनुमोदन देना, अप्रूवल देना। नेक्स्ट 76, अधजल गगरी छलकत जाए, ये हुआ एक प्रकार से
सुख नहीं कहते दोस्तों, मुहावरा, तो उसका आपको अर्थ बताना है। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब क्या, ओछी व्यक्ति में ऐठन अधिक होती है। ओछी व्यक्ति मतलब क्या, जो नीच व्यक्ति होता है, नीच मतलब गिरा हुआ इंसान होता है, आता पता कुछ नहीं रहता, लेकिन एकदम ऐसे दिखाया गया जैसे वो धन्ना सेठ है, अपने आप को शो ऑफ नहीं करते, जिसको दिखाना वही है। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति में ऐठन अधिक होती है, ऑप्शन ए सही है। 77, आम के आम गुठली के दाम तो दूना फायदा होना। आम के आम गुठली के दाम मतलब आपका आम भी बिकेगा और गुठली भी बिकेगा तो दुगुना फायदा होना, तो ऑप्शन ए दूना फायदा उठाना। नेक्स्ट है 78, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ तो सभी जानते हैं, एक चीज़ के लिए अनेक चाहने वाले, मतलब रजिया गुंडों में फंस गए, वही बात है, एक अनार 100 बीमार रजिया गुंडों में फंस गए, एक चीज़ के चाहने वाले अनेक हैं। 79, जिसकी ले लाठी उसकी भैंस का अर्थ है जबरदस्ती दखल करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब जबरदस्ती दखल करना, एक प्रकार से रंगदारी करना, वही चीज़ है, जिसकी लाठी जिसकी भैंस जबरदस्ती दखल करना, ऑप्शन ए सही है। 80, देखिए पांचों उंगलियां घी में अर्थ है। पांचों उंगलियां घी का अर्थ है लाभ ही लाभ। जब आप एकदम ऊंचाइयों पर होंगे, मतलब उस मुकाम पर होंगे कि आप जिस चीज़ पर हाथ रखे वो आपका हो जाएगा, तो इसका मतलब आपकी पांचों उंगलियां घी में है, मतलब आप लाभ ही लाभ में हैं। ठीक है दोस्तों, भगवान करे आप खूब तरक्की करें, हम सभी खूब तरक्की करें। ठीक है दोस्तों, हम सभी का पांचों उंगलियां घी में हो, हम भगवान से ही कामना करते हैं। नेक्स्ट है 81, जिसके हृदय में दया नहीं है क्या कहलाता है। निर्दय, ऑब्वियसली क्रूएल, जिसके हृदय में दया नहीं उसको कहते हैं निर्दय, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्रूएल, क्रूएल। नेक्स्ट है जिसमें पाप नहीं है क्या कहलाता है, निष्पाप। नहीं कहते ये निष्पाप है, किसी प्रकार का पाप इसमें नहीं है तो निष्पाप, ये ऑप्शन सही है। ये सब बहुत आसान, ये जो ग्रामर सा क्वेश्चन है, व्याकरण सा बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ हिंदी वाला जो शब्द था, मेमोरेंडम, अप्रूवल, ग्रांट, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आता है क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है, और ये सब क्या कहते हैं, इसको डेली यूज़ का है, ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी, हो सकता है कोई आप कलीग ही पूछ दे, तो अगर ध्यान रहेगा तो क्या है, कहाँ ये जानकारी है इसके पास, नहीं रहेगा तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रहता है तो आप एक प्रकार से चमकेंगे ग्रुप में, आप चमकेंगे, आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे ही दोस्तों, जो जिसके पास जितना नॉलेज है वो उतना चमकेगा दोस्तों, बस यही है बात, तो थोड़ा बहुत रखना चाहिए सबका भी ध्यान। 83, जिसका शत्रु जन्मा ना हो क्या कहलाता है, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट 84, जिसकी उपमा नहीं है क्या कहलाता है, अनुपमा, अनुपम। जिसकी कोई उपमा नहीं है तो अनुपम कहलाता है। नेक्स्ट है जिसमें कलंक नहीं हो क्या कहलाता है, निष्कलंक। नहीं तो निष्कलंक है, किसी प्रकार का कलंक इस पे नहीं तो निष्कलंक है, जैसे हमारे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद एकदम निष्कलंक व्यक्ति हैं, चाहे वो मतलब किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो या कोई भी पार्टी वाला हो, सब उनको चाहता था, तो निष्कलंक व्यक्ति थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे उनका विरोधी हो या सत्ता पक्ष के आदमी, तो सभी उनका सम्मान करते थे, वो आदमी ही ऐसे थे। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जो निष्कलंक होते हैं। 86 है, गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी है, जाह्नवी भी है, तो उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन सही है। पर्यायवाची सबसे भी क्वेश्चन आएगा, तो गंगा का भागीरथी है, जाह्नवी है, उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फूल के पर्यायवाची हैं, फूल का पर्यायवाची क्या है, तो पुष्प भी है, सुमन भी है, पुष्प, सुमन, पंखुरी। ठीक, फूल का पुष्प भी होता है दोस्तों, सुमन भी होता है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। ठीक, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, ये सी लिखा हुआ है, ये सी गलती है दोस्तों, डी है, फूल का पुष्प भी होता है, सुमन भी होता है, पर्यायवाची। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची क्या है, तो आकाश का पर्यायवाची गगन भी होता है, नभ भी होता है। ठीक, तो डी ऑप्शन सही है, आकाश, गगन और नभ, ए एन बी दोनों। 89, सड़क का पर्यायवाची है, सड़क का पर्यायवाची रास्ता भी होता है, मार्ग भी होता है, तो सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है खून का पर्यायवाची है, खून को लहू भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, तो डी, और सोनित भी कहते हैं खून को दोस्तों, याद रखिएगा, खून को सोनित भी कहते हैं, तो खून का पर्यायवाची लहू, रक्त और सोनित, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्थान के विलोम है, उत्थान मतलब ऊपर उठना, पतन मतलब नीचे गिरना, तो उत्थान का विलोम क्या है, तो पतन होना, नीचे आना। नेक्स्ट है 92, आज्ञा का विलोम है, आज्ञा का, अवाज्ञा, आज्ञा बोध का विलोम क्या होगा, तो अवाज्ञा, एंटोनिम है ये। प्राचीन का विलोम है, प्राचीन का विलोम क्या है, तो अवारचीन, जो प्राचीन का विलोम है अवारचीन है। नेक्स्ट है अनुराग का विलोम है, विलोम है, अनुराग मतलब विराग, अनुराग का एंटोनिम्स क्या होगा, तो विराग, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आकाश का विलोम है, आकाश पाताल, एक साथ ही यूज होता है आकाश पाताल, जैसे दिन रात है, तो आकाश का विलोम क्या हुआ, तो ऑप्शन ए पाताल। नेक्स्ट है
96 प्रत्युत्तर का शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्रत्युत्तर को इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, प्रत्युत्तर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मुमूर्छु का शुद्ध रूप क्या है? तो इस प्रकार से मुमूर्छु को लिखते हैं दोस्तों, ठीक, ये थोड़ा आप देख लीजिए, एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, किसको किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे एक बहुत अच्छा शब्द है सीधा और सरल, आशीर्वाद, ये लिखना आना चाहिए दोस्तों। कोई भी कहीं आपसे पूछ सकता है कि आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। आपका दर्शन हुआ, यह शुद्ध रूप है, ये है आपके दर्शन हुए, ऐसे कहा जाता है कि आपके दर्शन हुए, हम धन्य हो गए प्रभु जो आपने हमें दर्शन दिए। नेक्स्ट है मैंने आँख से देखा का शुद्ध रूप है क्या होगा? मैंने आँखों से देखा, ठीक, ऑप्शन ए सही है। 100 नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पत्र सधन्यवाद पाया का शुद्ध रूप है, आपका पत्र पाया धन्यवाद, सी ऑप्शन सही है, आपका मैंने पत्र पा लिया आपको धन्यवाद। इसलिए दोस्तों हम हमेशा शुद्ध रूप में ही बोलते हैं, देखिएगा पूरे वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में हम धन्यवाद बोलते हैं, ठीक। तो ये नहीं कि आपका पत्र, मतलब मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया सो धन्यवाद, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, धन्यवाद सबसे लास्ट में बोला जाता है दोस्तों, ठीक। तो ये 100 क्वेश्चन तक का था पूरा सीरीज, पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में हम जैसे दे दिए हैं। अगर पार्ट वन वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं दोस्तों, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी देखें, पूरा वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों को भी, ठीक है दोस्तों। अब शेयर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को, देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ बुरा लगता है, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। कोई बात हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।